दोस्तों यार वो देखें यार, मैं आपको दिखाता हूँ, ईगल देखें नेस्ट को खा रहा है, शायद किसी बर्ड का उसने नेस्ट उतारा है। दोस्तों इस ईगल ने ना नेस्ट उतारा है बर्ड्स का और उसके साथ लगी हुई है, ये देखें। अब मैं देखता हूँ जाके कि इसमें कोई बेबीज वगैरह तो नहीं है, फिर उन्हें बचाएं। ये देखें कितना इजी हो के कौवे भी लगे हैं और साथ ईगल भी लगा हुआ है। आई थिंक इसने नेस्ट उतारा है बर्ड्स का, बाकी मैं देखता हूँ उड़ तो गया है। ये देखें है नेस्ट ही वो बर्ड्स का। दोस्तों ये मैं उठा तो लाया हूँ, है तो ये नेस्टी, इनके बेबीज यहाँ तो वो खा गया है। बहरहाल अब मैंने इसको पकड़ लिया। यार ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़े, ये देखो कितने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, इन्हीं की वजह से मैंने स्टिक को पकड़ ली है, अब पता नहीं क्या वजह। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। यार सुबह सुबह मैं पीछे आया था, मैंने कहा चले यार चक्कर चक्कर लगाता हूँ, तो मुझे बर्ड्स का नेस्ट आप लोगों के सामने वहां से मिला। यार जैसे ही मैंने ये नेस्ट उठाया है, ईगल, आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर ईगल बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने इसको उठाया है, हालांकि ये ईगल का नेस्ट नहीं है यार, ये देखिए बर्ड्स का नेस्ट है, छोटा सा नेस्ट है, ये इतना बड़ा भी नहीं है, इसमें दो सुराख है, इसमें तो ईगल आ ही नहीं सकता, बर्ड्स का नेस्ट है। तो ये बर्ड्स का कहीं से नेस्ट उतार के लाए और इसको ना मतलब तोड़ रहा था। जब मैंने इसको पकड़ा मैंने कहा शायद इसमें कोई बेबीज ना हो बर्ड्स के और कोई एग्स वगैरह, तो मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन ईगल्स मेरे पीछे लग गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक साइड पे खड़ा हुआ हूँ कि शायद ये ईगल आगे पीछे हो जाए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ घर वापस, तो इसको नेस्ट को मैं साथ ले जाता हूँ, शायद ये ऊपर छत पे रख दूंगा। इतनी मेहनत से ये बनाया गया है नेस्ट, तकरीबन 5-10 दिनों के अंदर ये बर्ड्स ने बनाया होगा, तो जो ईगल कहीं से उतार लाया तो शायद इनके बेबीज यहाँ तो वो खा गया है, क्योंकि मैं जब देख रहा था काफ़ी दूर से मैं देखता आ रहा हूँ, तो जब तक मैं आया शायद वो खा गया है या कुछ और मामला तो हुआ है। बहरहाल अब मैंने इसको पकड़ लिया, अब मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ ईगल अब मेरे पीछे, वो देखें अभी भी ईगल्स इधर घूम रहे हैं। तो यार मैं अब यहाँ से चलता हूँ, शायद ये मतलब मेरी जान छूट जाए, मेरे ऊपर काफ़ी घूम रहे थे जिस वजह से मैंने ये स्टिक पकड़ी। बाकी अब मैं यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ आते हैं कि नहीं आते। दोस्तों आप लोगों के एक और सीन दिखाता हूँ। यार मैं ऊपर छत पे ना अपने बाजरा डाल देता हूँ चिड़ियों के लिए, तो देखें कितनी ज़्यादा इकट्ठी हुई हैं। ये देखें कितनी प्यारी, अब आहिस्ता आहिस्ता ना इन्होंने एक एक करके नीचे उतरना है, और जिधर आपके भाई ने बाजरा और इनके लिए पानी रखा है ना, ये देखें उतरने लग गई हैं। ये बड़े मज़े से खाती हैं यार, बहुत अभी डर पता नहीं क्यों रही हैं। अभी आपको बाकी ऊपर जाके दिखाता हूँ, अगर ये उड़े ना तो डर के उड़ भी जाती हैं। आपके भाई ने इतना अच्छा सीन, वो देखें उतरी है, उतरी देखो खाने, देखें यार माशाल्लाह से इतना सुकून मिलता है ना जब इधर से खा के जाती हैं। ये बाकी ऊपर बैठी हुई हैं सारी, अभी डर गई हैं मुझसे। यहाँ पे आपका भाई ना इनके लिए बाजरा, ये देखें कितना ज़्यादा, और साथ पानी इनके लिए मैं रख देता हूँ, फिर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हूँ ऊपर छत पर, यहाँ पे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे ना शाम के वक्त और सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा ये बर्ड्स आते हैं छोटे छोटे, यार ये काफ़ी अब नायाब हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा ये छोटी चिड़ियाँ और चिड़े होते थे, अब यार यहाँ पे खाने आते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है यार दिल को। अभी दोस्तों दोबारा से ये छोटी चिड़ियाँ इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से इकट्ठी हो गई ना, देखिएगा अब नीचे जा रही हैं एकदम से, देखिएगा कितनी ज़्यादा यहाँ से उड़ के जाती, वो देखें। तो बाकी यार अभी अपने पिजन्स को ओपन करता हूँ, यार आज सर्दी इतनी ज़्यादा, ये देखें आपके भाई ने सारा कुछ कवर किया हुआ। आज हम लेके आए हैं अपने पिजन्स के लिए बिरयानी, थोड़ी सी बच गई थी मैंने कहीं निकला दें, तो यार ये ना मैं पट्टे छट्टे लेके आया था गांव से, ये हमारे ना जो चिक्स है ना वो पत्ते बड़े ही शौक से खाते हैं, तो मैं इनको छोटे छोटे पीसेस करके ना इनको खिला देता हूँ। तो पिजन्स को ना सबसे पहले ओपन कर देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऊपर आता हूँ ना तो ये पूरी भाग के आते हैं दरवाजे की तरफ, ओ किधर जा रही हो, कि हमें ना ओपन करने हैं, तो इनको ओपन कर दिया। बाकी यार ये सर्दी की वजह से मैं सारा कुछ कवर कर देता हूँ, क्या करने लग जाते हो आते ही, खुश होते हैं यार। तो बाकी ना इनको भी सबको ओपन कर देता हूँ ताकि ये अपनी डाइट शाइट खा लें, और इनका बेबीज भी आपको दिखाता हूँ कैसा है। दोस्तों अपने पिजन्स को मैंने ना गरम गरम पानी दिया मोटर का चलता हुआ, तो यार ये देखें आते ही नहाने लग गए, ये देखें। हाँ जी कैसे हो, आंखें खुल गई हैं? नहीं खुली, ओ यार ये देखिएगा मुंह लगा के कहते नहीं खुली, आंखें खुल गई है, ओए अभी आंखें नहीं खोल रहा, वो कहते नहीं खोलनी, ओए आंखें खोलो, ओए चिड़कुट नहीं खोलने कहता,
म्यू वो खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई फिर बंद कर दी। यार इनका एक बेबी है ना एक्सपायर सॉरी अंडा ही इनका खराब हो गया था तो बाकी इनको सबको ओपन कर दिया। इनके भी अंडे देख लेते हैं अभी हैच हुए या नहीं। अभी तो इनके वैसे ही बड़े हैं इनके भी वैसे ही बड़े हैं। उम्मीद है कि यार इनके बेबीज निकल आएंगे। ये जो टेल है ना ये वाला पिछली बार इनके अंडे खराब हो गए थे लेकिन इस बार इंशाल्लाह बेबीज निकलेंगे तो इनके भी देखेंगे कैसे बेबीज हैं। दोस्तों अपने पिजन्स को तो मैंने डाइट शाइट डाल के बंद कर दिया खिला के तो ये देखें अब बारी अपनी ब्लैक रानी को ओपन करने की। तो ये देखिएगा ब्लैक रानी बोलती कैसे पता अंडों पर बैठी तो लड़ती ये देखें। तो इसका बाहर निकालते इसको डाइट शाइट इसकी डाल देते। तो ब्लैक ही अपनी को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये आती ये पानी पीती है अब और इसका मैंने दाना भी बाहर रख दिया ये देखें। इसमें यूं रख देता हूँ मैं ये देखें यहाँ से ना फिर ये आके खा लेती है पहले पानी पीती होती है फिर उसके बाद ये आइए देखो ब्लैकी फिर उसके बाद ये इधर आके ना अपना बाजरा खा लेती है। और जो मेरे चिक्स है चिक्स के लिए मैंने ना ये सारे काट लिए हैं ये देखें सारे पत्ते शत्ते निकाल लिए तो ये बड़े शौक से खाते हैं। ब्लैकी भी खाती है तो ब्लैकी को भी डालूंगा ये पहले थोड़ा सा बाजरा खा ले फिर उसके बाद ना इनको ये पत्ते वगैरह डालता हूँ काफ़ी मज़े से खा लेते हैं। आ जाओ कुछ नहीं होता यार ये खाने लगी है यूं ही है ना इसको मैंने इसका पोटा फुल करवा देना और फिर इसे बंद कर देना वापस इसने खुद ही चले जाना अंडों पे। खा लो अब गिराना नहीं है हर बार गिरा देती है इसके अंडे देखते हैं अभी तो यार 4-5 दिन ही हुए हैं अंडों पे। दोस्तों ब्लैकी को मैंने डाइट तो खिला दी अभी इसे अंदर जाने की पड़ी है ये देखें भाग गई ना अब फोरी पंख इसने अपने खोल लेने और अंडों पे बैठने लगी है। ले जी अभी ये सारे अंडे अपने नीचे कवर कर लेगी थोड़ा सा खा के इसको भागने की पड़ जाती जैसे इसके अंडे को लेके जा रहा है तो बाकी इसे बंद कर देता हूँ ताकि ये रिलैक्स होके बैठी रहे और अपनी नन्नी गैंग को ओपन कर देते हैं। लो जी आ जाओ आप लोग कब से कहाँ कर रहे हो आ जाओ जी लो जी भागो। अभी दोस्तों अपने चिक्स को भी डाइट डाल के बंद कर दिया अब लास्ट पे अपने शेरू लोगों को ओपन कर दें। ओ यार ये देखें शेरू लोगों ने ये सारी जाली नीचे से तोड़ दी। खैर दोस्तों आज के व्लॉग का मैं इधर ही एंड करता हूँ। अगर चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज।